मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे? ये भी आजादी के बाद ही सारे उन शब्दों को, उन प्रतिचिन्हों को मिटा देना चाहिए था जो गुलामी के, कि इसरो जिसने चंद्रयान का मिशन भेजा क्या वो गुलामी का प्रतीक है? इसरो में जो आए है इंडिया, क्या उसको बदलेंगे? क्या वो IIT में आए का जो इंडिया है, क्या उसका नाम बदलेंगे? भारतवासियों की भावना है, पता नहीं कांग्रेस को क्यों भारत सबसे नफरत हो रहा है और चीन और पाकिस्तान के सबसे इसको क्यों इतना मोहब्बत होता है। इंडिया से मोदी जी थर थर कांपते हैं, घबराते हैं, बौखला गए हैं और अब ये बौखलाहट सनक बन चुकी है और इस सनक का खामियाजा देश भुगत रहा है। अगर आपको लिखना था तो आपको लिखना चाहिए भारत की राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या है, कि ये कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान है। इसका संविधान जो है वही कहता है इंडिया दैट इज भारत, तो जो प्राइमेसी है भारत की वो तो भारत का संविधान ही देता है। इंडिया नामटा नामे सारा विश्व चेने, हठात एमन की होलो आज के देशेर नामटाओ चेंज हो जाबे। हमारा ये देश भारत था, भारत है और भारत रहेगा। वोट फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, आधार में इंडिया का जिक्र है, पासपोर्ट में इंडिया का जिक्र है, हमारे संविधान में इंडिया का जिक्र है। बी द पीपल ऑफ इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।